हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गिक्स फ्लिक्स। कैसे आप सब? तो लेकर आऊं दो मोबाइल का कंपैरिजन वीडियो जिन दोनों में कोई कंपेयर नहीं होता, क्योंकि एक मोबाइल जो Realme 2 है उसका प्राइस है 9000 रुपये और एक मोबाइल है MI 8 Lite जिसका प्राइस है 18000 रुपये। लेकिन फिर भी रिपीटेड रिक्वेस्ट और इतना हाइप देखने के बाद मैं सोचा कि एक कंपैरिजन कर ही लेता हूं, कि देखता हूं Realme 2 कितना हद तक MI 8 Lite के पास जा सकता है, या फिर क्या बेटर या फिर कितना बुरा है। तो चलिए इस रिव्यू वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्प्ले को लेकर। इन दोनों मोबाइल में आपको 6.2 इंच का IPS LCD डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलता है, लेकिन MI 8 Lite में आपका स्क्रीन थोड़ा शार्पर है और अच्छा है Realme 2 से। इसका कारण यह है कि Realme 2 का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 720x1520 pixels, जबकि आपका MI 8 Lite का स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080x2280 pixels। जबकि इस मोबाइल में आपको ऑफकोर्स ज़्यादा पिक्सल्स मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स शार्पर डिस्प्ले आपको MI 8 Lite में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि Realme 2 का प्राइस MI 8 Lite से बहुत कम है, और इस प्राइस में वो लोग जो डिस्प्ले दे रहे हैं विथ नॉच, ये सब कुछ आपको ये कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। आप सीधा चले तो हम कैमरे में, तो कैमरे की बात करें तो दोस्तों आपको Realme 2 में मिल रहा है 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिस जो है ऑटो फोकस कैमरा, और आपका MI 8 Lite में आपको मिल रहा है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जो मुझे कैमरा में देखने को मिला, जहां पर MI 8 Lite में इंक्लूड नहीं किया गया। तो MI 8 Lite में जो मेन चीज़ जो Realme 2 में है और MI 8 Lite में नहीं है, वो ये है कि बोके मोड। तो बोके मोड से आप क्या कर सकते हैं? बोके मोड से आप जो ब्लर बैकग्राउंड वीडियो और ब्लर बैकग्राउंड फोटो है उस पर आप फोकस शिफ्ट कर सकते हैं और ब्लर को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये MI 8 Lite में देखा नहीं गया। लेकिन MI 8 Lite में कुछ और फीचर्स जैसे कि डिजिटल जूम, फिर टच टू फोकस, ये सब फीचर्स देखा गया है जो कि हमारा Realme 2 में देखा नहीं गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में MI 8 Lite ऑफकोर्स हमारे Realme 2 से बेटर है, क्योंकि वहाँ पर आप 4K वीडियोस 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि आप हमारे Realme 2 में 1080p का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पे। इन दोनों में आपको रियर फ्लैश मिल जाते हैं, लेकिन डिफरेंस एक बहुत ही कंसिडरेबल डिफरेंस आ जाता है जब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे को लेकर। ऑफकोर्स हमारे प्राइस को कंसिडरेशन में रखकर ये देखना पड़ेगा कि Realme 2 में दिया गया आपको 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जबकि आपको इधर MI 8 Lite में मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो ऑफकोर्स इस फेस में बात करें तो MI 8 Lite Realme 2 से ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल्स और प्रोसेसर्स के बारे में। तो प्रोसेसर्स के बारे में तो हमारा Realme 2 इस बार भी थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि Realme किसी भी हद से बुरा है। दोस्तों Realme 2 में आपको मिलता है 1.8 GHz का Snapdragon 450 प्रोसेसर और GPU मिलता है आपको Adreno 506 का, जबकि आपको MI 8 Lite में मिलता है Snapdragon 660 का प्रोसेसर और GPU Adreno 512 का, और Octa Core प्रोसेसर 2.2 GHz क्लॉक पिस के साथ MI 8 Lite में आपको दिया जाता है। लेकिन प्राइस को कॉन्सिडरेबल रख के अगर हम Realme 2 की बात करें, तो ये प्रोसेसर भी इंक्लूड करना बड़ा दम वाला बात है दोस्तों, क्योंकि इस प्रोसेसर से भी आप गेम खेल सकते हैं, जैसे कि पबजी, फिर आपका फोर्टनाइट हो गया, फिर एस्पल्ट नाइट हो गया, तो कोई भी लैग आपको दिखाई नहीं देगा मल्टीटास्किंग में भी। लेकिन डिफरेंस आता है जब हम रैम को कंसीडर लेते हैं, तो रैम को आप इधर Realme 2 में आपको 4GB का रैम मिला है, और आपका जो MI 8 Lite उधर आपको 6GB का रैम मिला है, तो स्पीड में ऑफकोर्स MI 8 Lite Realme 2 से ज़्यादा होगा। लेकिन जब बात आती है एक चीज़ की, जो यूज़र मुझे ये MI 8 Lite में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा बैकड्रॉप ये लगा कि वो लोग जो इंटरनल स्टोरेज दे रहे हैं 64GB का, उसको आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, जबकि आप Realme 2 में 64GB इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए एक्सपेंड कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये दोनों मोबाइल लॉन्च हुए हैं 8.1 एंड्रॉइड 8.1 ओरियो वर्जन में, और एक चीज़ जो दोनों चीज़ आपको Realme 2 में मिलता है और MI 8 Lite में नहीं मिलता है, वो ये है कि Realme 2 में आपको हेडफोन जैक, FM रेडियो, ये दोनों चीज़ मिलते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ MI 8 Lite पर नहीं मिलता है। इसके साथ साथ कैमरे में आपको जायरोस्कोप फैसिलिटी जो है वो आपको MI 8 Lite में दी जाती है, जिससे आप 360 वीडियोस आप एकदम इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन Realme 2 में आप वैसा नहीं कर सकते। अब बात आती है दोस्तों बैटरी की। बैटरी में एक बड़ा एकदम टक्कर देखा गया, लेकिन ये टक्कर
MI 8 Lite हार गया दोस्तों। बैटरी में आपको Realme 2 में 4320 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि जब लोग वो लोग MI 8 Lite का प्राइस रख रहे हैं 18,000 रुपये, भाई वो लोग बैटरी क्यों दे दिए 3250 mAh की। ऑफ कोर्स इधर आपको ज़बरदस्त बैटरी मिलती है Realme 2 में, तो बैटरी का ये वार MI 8 Lite एकदम हार गया। अब बात करती है दोस्तों जजमेंट की, तो आप जजमेंट किसे देंगे, मतलब कौन सा मोबाइल बेटर है। तो दोस्तों प्राइस को कंसीडर करते हुए मुझे लगता है कि अगर आपका बजट 18,000 इतना नहीं है तो आप उस फ़ोन को छोड़ सकते हैं और Realme 2 पर आ सकते हैं, क्योंकि इस फ़ोन से भी आप वैसे बहुत बहुत काम कर पाएंगे जो आप उस फ़ोन से कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बात बता दूं कि MI 8 Lite Realme 2 से थोड़ा स्लिम है, मतलब आपको हैंडी होगा थोड़ा सा, इसलिए CPU के मामले में MI 8 Lite अच्छा है। लेकिन हमारा जो ये Realme 2 है वो मेमोरी कार्ड के स्लॉट में अच्छा है, इसके साथ साथ आपको इधर अच्छी बैटरी मिल रही है और 3.5 मिलीमीटर का जैक मिल रहा है। तो इन सब चीज़ में MI 8 Lite से Realme 2 ऑफकोर्स अच्छा है। तो आपको देखना है, बजट को देखना है, अगर आपका बजट 10,000 से कम है तो मैं कहता हूँ कि आप आग भूंद करके ले लीजिए Realme 2। लेकिन MI 8 Lite को कंसीडर करने से पहले आप दूसरे कुछ मोबाइल्स को कंसीडर कीजिए, क्योंकि Realme 2 Pro लॉन्च होने वाला है या लॉन्च हो गया है, तो वो भी कंसीडर कर लीजिए। इसके साथ साथ कुछ और भी मोबाइल्स जो लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में पर आप कंपटीशन दे रहा है, तो वो सब कंसीडर करके आप MI 8 Lite पर जाइए। लेकिन उससे पहले मत जाइए, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पर MI 8 Lite में, जैसे कि आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, बोके मोड कैमरा में आपको नहीं मिल रहा है, 3.5 मिलीमीटर का जैक आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सब को नज़र में रखते हुए आप MI 8 Lite को अप्रोच कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप एकदम क्लियर हो गए हैं कि हमारे देसी में क्या दम है। और अच्छा लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।